हे भगवान, मु तो पूरा बर्बाद हो गली। से दुईटी चढ़ई मो घर सब चोरी करके नहीं गले, गोटे भी जिनस छाड़ी ना। एबे मु पूरा गरीब हो जीबी। एते सब टंका मो जीवन सारा खटी खटी कमे थिली, हेले से दुईटी चढ़ई गोटे दिन रे सब चोरी करके नहीं गले, मु पूरा बर्बाद हो गली। बंटीपारा बंटीपारार दुईटी पुओ थिले, बिट्टुपारा आउ कालुकाउ। बंटीपारार स्त्री बहुत वर्ष पूर्वे मरी जाइथला, सेतलागी बंटीपारा ता दुई पुओ सह रहुथला। कालुकाउ को बंटीपारा छोटो बेलु पाळिकी आसथला, कारण कालुकाउर बापा माँ छोटो बेलु मरी जाइथले, सेतलागी बंटीपारा कालुकाउ को धरमपु हिसाब से पाळुथला। एमिति बंटीपारा पाखरे बहुत धन सम्पत्ति थिला, बंटीपारार कौनसी जिनसर अभाव नथिला, बहुत बड़ लोक से थिला। हेले बंटीपारा दुई पुओ को बाहा को कही राजी होनथिले, ता दुई पुओर बयस बढ़ी बढ़ी की जाउथिला। हेले ता दुई पुओ को बाहा पाई कौनसी चढ़े भी राजी होनथिले, सेतलागी बंटीपारा बहुत चिंता करथिला। बंटीपारा सबुआड़े बुली बुली ता दुई पुओ पाई बहु खोजुथिला, हेले कौनसी चढ़ई ता दुई पुओ को बाहापाई राजी हो नथिले। आउ एमिति बंटीपारा बुढ़ा हो जाऊला, से बहुत चिंता करथिला। दिने बंटीपारा मिठुसुआ पाखु जाए, आउ मिठुसुआ पाखु जाए कि ता सबु दुख जनाए। मिठु भाई कौन करी मु, एते सब धन सम्पत्ति थाई कि लाभ जदि मो दुई पुओ बाहाघर करि पारनी, मो पाखरे कौन अभाव अछि, धन सम्पत्ति घर बाड़ी कौनटा अभाव अच्छे मो पाखे सबकि अच्छी, कौनसी चढ़ई मो दुई पुओ को बाहापाई कौन पाई राजी होना के जाने। आमती भी से दुईज बयस बढ़ी बढ़ी जाऊँगी, लगे मोर बहुत चिंता मिठू भाई, मुझे कौन करी मत कि बुद्धि दि मिठू भाई। आरे बंटीपारा तू चिंता कहीं करो, तो दुई पुओं बाहाघर अति शीघ्र हो। हाँ मिठू भाई, मु तो सिया चाहूँगी से दुईज बाहाघर अति शीघ्र हो जाऊ, आउ मते मुक्ति मिल जाऊ। से दुईज बाहाघर हो सर से संसार गढ़े, आउ मते मुक्ति मिल जाव, आई मोर चिंता करवा कि दरकार ना, चिंता करने स्त्री आसीज। हेले कौन करी से तीस बतीस है, बाहाघर पर मत बहुत चिंता हो मिठू भाई, मो कौन करी ए। हाँ बंटीपारा सी तो सत कथा, तो पाखे कौन अभाव, तो पाखे धन सम्पत्ति सबू अच्छी, एत सब जिनस थी के जाने कौन से चढ़े तो पुओ को बाहापाई कहीं राजी होना। हेले बंटीपारा मो मुंडे गोटे भल बुद्धि जुटुची। हाँ मिठू भाई कह, से लगी तो तुम पाखु आसी। आरे बंटीपारा तू गोटे कम करनु, तो दुई पुओर बाहाघर कथा खबर कागज छापी दिए, आ खबर कागज पढ़ला कौनसी ना कौनसी चढ़े निश्चय राजी हो। अरे हाँ मिठू सुआ तू तो भल कथे भाविचु, ये कथा मो मुंडे आगु कहीं पसंद था के जाने। नाई मत डेरी करिया पड़बनी, मु काली ही खबर कागज छापी देबी। तापर दिन सकाळ हो जाए, तापर बंटीपारा खबर कागज रे ता दुई पुओं बाहाघर कथा छापी दिए, आउ खबर कागज सबु चढ़ई मानक पाखरे पहुँची जाए। आउ गोटे जंगल रे दुई भौणी रहुथिले, टिकी चढ़ई आउ नील चढ़ई। से दुई जन बहुत बड़ चोरणी थिले, से माने बड़ घर चढ़े मानक बाहेकी धोखा दे दौले, आउ तांको धन संपत्ति सबू चोरी करी नहीं आसुले। हेले से दुई भौणी कथा जंगल कौनसी चढ़े को जान नथिला, केवल कोइली को छाड़ला परे आउ कौनसी चढ़े भी से मानन कथा जान नथिले। हेले कोइलीटी डरेकी काहा को किछि कहुनथिला, आउ बंटीपारा छापिदिबा खबर कागज से दुई भौणी पाखरे पहुँचे। टिक्की चढ़े से खबर कागज पढ़ी बहुत खुशी हो जाए। आरे नील भौणी लगुची आउ गोटे बकरा फसब, देख सेपट जंगल दुईटी चढ़ई अच्छा, बाहाघर कथा खबर कागज छपाई। हाँ टिक्की भौणी लगुची से बड़ घर चढ़े थे, नले खबर कागज कहीं छापी था, कई बाहर बोली से खबर कागज छापी, चले आम से दुईज को बाई जा, आउ बाहला धोखा दे कि सबु धन संपत्ति को चोरी करी नहीं आसीबा। हाँ नील चढ़े आउ कौन ये सुजोग को हाथ छड़ा करीबा, नाई काली आम घर को जीबा, आउ ता दुई पुओ को बाहापाई आम हाँ कहीकि आसीबा। ता पर्ण सकाळ हो जाए, ता पर्ण सकाळे
टिक्की चढ़ेटी बंटीपादा घरकू आसे आउ से बंटीपादा घरकू आसिकी निरीह चढ़े रकम बंटीपादा को नमस्कार हुए। बंटीपादा टिक्की चढ़ई को देखिकी बहुत खुशी हो जाए। एमती भी टिक्की चढ़ई देखा बहुत सुंदर था आउ ता व्यवहार बहुत भल था। एमती बंटीपादा टिक्की चढ़ई को बोहू करने को मने मने भावी नहीं था। नमस्कार पादा अंकल, आपण खबर कागज छापी ना कि आपण दुई पुअर बाघर करने चाहते? हाँ हाँ झी मु खबर कागज छापी। हाँ पादा अंकल, मु खबर कागज पढ़ी आसली आउ मु बाहा राजी अच्छी आमती भी मोर गोटे सुंदर भौणी अच्छी। आपण जदि राजी हम तो आम दुई भौणी आपण को दुई पु को बाहू हेले अंकल आमर कहीं भी बापा माँ ना आम छोट बलू अनाथ आम बापा माँ छोट बलू आम को छाड़ी चली जाइंट अंकल। आरे माँ चुप है जा चुप है जा कांदुचु कौन पाई मु तो सही लगे खबर कागज छापी मो दुई पु को भल बो मिलतु बोली आउ ते देख लगुच तु मो बो हवापाई पूरा ठीक अच्छु आउ मु मने मने भी तते मो बो कर सारी खाली मो पुओं कथा बाकी रहा काली तो भौणी को लेकिन इठिक आसे मो दुई पु तुम दीज को देखी सारापर जदि मो दुई पु राजी हम तेज़े बाघर करदे तापर टिकी चढ़ई जाने कि सकई हो कि कांदी पकाए। हौ पादा अंकल मु एबे आसुची काली मो सांगरे मो भौणी को नेकि आसीबी। तापर टिकी चढ़ई घरे पहुँचला परे ता भौणी नील चढ़ई को सब कथा कहे। आरे नील भौणी आ गोटे बकरा फसी गला से पूरा राजी मु ता आगे एमिति एक्टिंग कली से पूरा फसी गला आउ कौन कहला जानीचु से ता मने मने मते बहु करी छाड़ी मते पुणी से बहु करिबो खाली दुई चार दिन बाहापाई नाटक करदेबा आउ सब जिन चोरी कर सारापर सी किए ना मु किए। हाँ टिके भौणी तेत मानिया पड़ो कि आक्टिंग करुचु म। हाँ नील चढ़ई काली आमे दीज घर को जीवा आउ ता दीटा पु आम को देखी राजी हो सारापर आम बाघर करे। तापर दिन टिकी चढ़ई आउ नील चढ़ई बंटीपादा घर को आसती। पादा अंकल देख ये मो भौणी बिटू पारा आउ कालुकाउ टिक्की चढ़ई आउ ता भौणी नील चढ़ई को देखिकी मने मने पूरा खुशी हो जाती कारण से दुईज देखा बहुत सुंदर देखा जाते आउ एमाने मने मने पूरा खुशी निजर स्त्री करने को भावि नहीं था। आरे कालुकाउ आउ बिटू पारा देख ये दुईटी चढ़ई कौन तुम पसंद आदि पसंद आसे मत कह तुम दीज बाघर ए दुईटी चढ़ई का सह करदेवी। हाँ बापा मत टिकी चढ़ई बहुत पसंद आसुची देखा केते सुंदर आउ बिटू पारा नील चढ़ई को पसंद कै एमती से कहीकि से पल जाती। टिकी चढ़ई भाविए कि आज तुम्हें दि भौणी मो घर बहु हो गल मो दुई पु तो तुम दीज को पसंद करमें दुईज काली सका मो घर पलै आस तुमर तो बापा माँ कई ना तुम कथा मत सब बुझा पड़ब काली ठू तुम आसिले तुमपाई सुना हार शाढ़ी सबकि किणा पड़ब आ हाँ पैसा लगे तुम्हें दीज के चिंता करनी सब खर्च मुबी। तापर्ण सका जाए सका टिकी चढ़ई आउ नील चढ़ई बंटीपादा घरे आसी पहुँचती। तापर बंटीपादा टिकी चढ़ई आउ नील चढ़ई को रखापी गोटे नुआ घर को नहीं जाए। आरे टिकी चढ़ई तुम्हें दि भौणी यही घरे आज रुह जेपर्यंत बाघर है तुम्हें दीज ये रही था मुझे तुम दीज बाछी बाछी सुनाहार नहीं आसबि। तापर बंटीपादा सुनाहार किणा को जाए। बंटीपादा बजार को जाकि बहुत सारा भल भल सुनाहार किणे आ सुनाहार किणी आणिकी टिकी चढ़ई आउ ता भौणी को देखाए। तापर से दुई भौणी एते सुंदर सुंदर हार को देखिकी मने मने पूरा खुशी जानती। अरे वाह ते सुंदर हार है म लगुच ए हार मूल्य अधिका टंका है वाह के सुंदर देखा जाऊ आमर कौन अच्छी खाली बाहर नाटक करदिन पर यह हार सब चोरी करी आम यू पलू तापर बापा पु उपुर को नहीं एमती किद से बाघर हो जाए।
ବାହାଘର ହୋଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଯାଏଁ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କାଳୁକାଉ ଆଉ ବିଟୁପାରାକୁ ବହୁ ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାହାଘର କଥା କୋଇଲି କାନରେ ପଡ଼େ। ଆରେ ଏ ଦୁଇଟି ଚଦଣୀ ଭଉଣୀ ପୁଣି କାହାକୁ ଧୋକା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବିନି, ମୁଁ ଯାଇକି ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ତାପରେ ସେ କୋଇଲି ସେପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ। ସେପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲାପରେ ତାକୁ ମିଠୁ ଶୁଆ ଦେଖାହୁଏ। ତାପରେ ସେ କୋଇଲି ଯାଇକି ମିଠୁ ଶୁଆକୁ ସବୁ କଥା କୁହେ। ଆରେ କୋଇଲି ଭାଇ, ତମେ କି କଥା କହୁଛ, ସେ ଦୁଇଟି ଭଉଣୀ ତାହେଲେ ଚୋରଣୀ? ଆରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ତ ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି, ବିଚାରା ସେ ବଣ୍ଟିପାରା ଏବେ କ'ଣ କରିବ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏକଥା ଯଦି ସେ ଶୁଣିବ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତାକୁ, ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଏ ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇ ଚୋରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଯାଇକି ସବୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମିଠୁଶୁଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଣ୍ଟିପାରା ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆରେ ବଣ୍ଟିପାରା, ପୁରା ଅନର୍ଥ ହେଇଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇକୁ ତୋ ଦୁଇ ପୁଅ ସହ ବାହାଘର କରିଛୁ, ସେମାନେ ଭଲ ଚଢ଼େଇ ନୁହଁ, ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୋରଣୀ ଗୋଡ଼ା। ଏମିତି ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ବାହାହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସବୁ ଧନକୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୋ ଘରକୁ ଆଇଛନ୍ତି, ତୋ ଘରୁ ବି ସବୁ ଧନ ଚୋରି କରିଦେବେ। ଆରେ ମିଠୁଶୁଆ, ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଏସବୁ କ'ଣ ସତ କଥା? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତ ଭାସିଗଲି ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଦୁଇ ପୁଅର ତ ବାହାଘର କରିଦେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ ମିଠୁଶୁଆ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ, ସେ ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇ ଆମ ଘରୁ ଚୋରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା। ହେଲେ ଏପଟେ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଘରୁ ସବୁ ଚୋରି କରିକି ପଳାନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି, ସେ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ମୋ ଘରୁ ସବୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ଗରିବ ହେଇଯିବି। ଏତେ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଖଟି ଖଟିକି କମେଇଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲେ, ମୁଁ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି। ବାପା, ଏମିତି ସବୁ ହବାର ହିଁ ଥିଲା, ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲୁ କି ଆମ ବାହାଘର କରିଦିଅ ବୋଲି, ତମେ ଏତେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲ? ତମର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ନଥିଲୁ? ତମେ ତ ଖାଲି ବାହା ହେଇଯାଅ ବାହା ହେଇଯାଅ କହୁଥିଲ, ଦେଖିଲ ବ୍ୟସ୍ତକୁସ୍ତ ହେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବାରୁ ଏମିତି ସବୁ ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଗପରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ କି ଅତି ଶୀଘ୍ର କାହା ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଛ ଭିଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲୁ, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଥିଲା, କଳା ଘାସ ବଣେ ଧଇଁଲେ ଚୋର, ନଖ ମୁଣ୍ଡିରେ ତା ହେଲା ବିଚାର। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉକୁଣି। ତ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ବହୁତ ସାରା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ରଞ୍ଜିତା ପଳାଇ, ପ୍ରଭାସିନୀ ଭୁକ୍ତା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବିଶ୍ୱାଳ, ରାଜା ଲେଙ୍କା, ଶୁଭସ୍ମିତା, ଘନଶ୍ୟାମ ବନ୍ୟାଶ୍ରୀ ଅଫିସିଆଲ, ଶିବ ବରାଳ, ଅବିନାଶ ପାତ୍ର। ତ ଏମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନାହିଁ ତ ଜମାରୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି, ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବି ଆସିପାରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ସକାଳୁ ଉଠେ ଘର ଚାରିପାଖେ ବୁଲି ଆସେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜଣାଅଛି ତ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେଣି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏତିକି ଟିକେ କରିବେନି ତ ଆମେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବୁ। ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ।